गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हुमा शमीम भट्ट। आज मैं आपके सामने FC का फर्स्ट ईयर का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ BA, BCom, BCA, BBA और BSc फर्स्ट ईयर के लिए। स्टूडेंट्स, इसमें जो रीडिंग, राइटिंग और इंटरप्रिटेशन स्किल्स के लिए 5 यूनिट्स हमें दिए गए हैं। पहला यूनिट है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिनकी आज जयंती भी है। सेकेंड यूनिट है नेशनल एजुकेशन बाय MK गांधी, राष्ट्रीय एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। थर्ड यूनिट है द एक्स बाय RK नारायण। फोर्थ यूनिट द वंडर दैट वॉज इंडिया बाय AL बाशम। फिफ्थ यूनिट है प्रीफेस टू महाभारता बाय C राजगोपालाचारी। ये यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं, इनके संदर्भ में हमें और फिर से क्या किस तरीके से MCQs पढ़ने हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सेकेंड जो स्किल्स हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, उसमें अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आएगा। आप लोगों को चॉइसेस दी रहेंगी ऑब्जेक्टिव्स की, आपको उसमें से एक कोई ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके और उस पर टिक करना होगा। थर्ड जो हमारा इसमें पार्ट है लैंग्वेज में वो है वोकैबुलरी बिल्डिंग, जिसमें सफिक्स, प्रीफिक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनाइम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बेसिक ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रिपोजिशंस और आर्टिकल्स। इसके लिए कुछ सजेस्टेड जो बुक्स हैं वो आपको लाइब्रेरी में इजीली मिल जाएंगी। बहुत ही फेमस बुक है रेमंड मर्फी की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, या फिर आप माइकल स्वैन की ऑक्सफोर्ड की प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज की बुक जो है वो भी ले सकते हैं। एग्जाम में आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहेंगे और 2 आवर्स का टाइम दिया रहेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरदा डिग्रीज कॉलेज यूट्यूब चैनल। मायसेल्फ डॉक्टर हुमा शमीम भट्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। FC इंग्लिश के लिए आप लोगों को ये फर्स्ट यूनिट में एक कविता दी हुई है, बहुत ही फेमस वर्क है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। BA, BCom, BCA, BBA और BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। मैं आपको इनका एक्सप्लेनेशन बताते जाती हूँ, आपने ये क्लास में भी पढ़ा ही था। इसमें पेट्रियोटिज्म थीम के ऊपर बेस्ड है ये कविता। तो टैगोर जी या गुरुदेव हमसे ये आह्वान कर रहे हैं यूथ से कि आप विदाउट एनी फियर अपना हेड या अपना सिर उठा कर चलिए, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने नॉलेज से अपने आप को इतना काबिल बना लेंगे कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए। और हम अपने देश के लिए कुछ करने का मतलब उनका ये है कि हम अपनी एजुकेशन को, अपनी वर्च्यूज को, अपनी वैल्यूज को, अपनी क्वालिटीज जैसे ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी, पीस, ब्रदरहुड, केयरिंग और शेयरिंग, ये सब करें। और ना कि हम लोग जैसे कि तीसरी पंक्ति में दिया हुआ है कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ना कि ये हो कि हमारा जो देश है वो जो रूढ़िवादिता के कुछ चेंज हैं उनसे बंधा हो, या फिर हमारा विभाजन आपस में जो हमारे भाई बहन हैं हमारे देश के उनके बीच में विभाजन ना हो। या फिर he says that we should not be broken up into fragments by the narrow domestic walls। तो ये जो narrow domestic walls हैं जो हमें बांधे रखती हैं, narrow domestic walls का idea उनका है यहाँ पर जाति, किसी particular community,
या फिर धर्म से, रिलीजन से। उनका ये हमें सजेशन है कि हमें एक ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड रखना चाहिए, और तभी ये हो पाएगा जब हम ये प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। और ये कविता एक प्रेयर है उनकी टू गॉड। ही इज प्रेइंग टू गॉड फॉर एन इमेजिनरी वर्ल्ड लाइक दिस और अ कंट्री इंडिया लाइक दैट। अगली चार पंक्तियां, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी सैंड ऑफ डेड हैबिट, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। सो द पोएट सेज दैट वन नीड्स टू वर्क टूवर्ड्स परफेक्शन। परफेक्शन लाने के लिए टायरलेसली बिना थके हुए काम करना होगा, और जो वर्च्यूज हैं वो ब्रदरहुड, केयरिंग, लविंग, शेयरिंग के साथ नॉलेज को गेन करते हुए हम आगे की जेनरेशन को दें। तभी एक हमारे दिमाग में क्लैरिटी होगी, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन होगा, या फिर हमें क्लैरिटी होगी कि हमें क्या अचीव करना है, हमारा विजन हमें क्लियर होगा, एंड वी विल नॉट बी लॉस्ट इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। सो ही सेज दैट द यूथ शुड ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स जो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने नहीं देते। जितनी भी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स मतलब जितनी भी बाधाएं, रुकावटें हमारे इस गोल के टूवर्ड्स आती हैं, उनको हमें अचीव करना होगा, ओवरकम करना होगा, और यूथ के दिमाग में या यूथ के विजन में एक क्लैरिटी होगी अपने फ्यूचर को लेकर, अपने देश के लिए या अपने खुद के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या अचीव करना है, उस उद्देश्य को लेके, उस लक्ष्य को लेके। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इंटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इंटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्रेयर है टू द गॉड, एंड द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ही प्रेज फॉर हिज कंट्री, ही प्रेज दैट हिज कंट्री टू बी यूनाइटेड फ्री फ्रॉम द ईवल्स ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, एंड ही वॉन्ट्स ऑल हिज मैन टू बी फ्री फ्रॉम दीज ईवल्स ऑफ द सोसाइटी, एंड ही वॉन्ट्स देम टू लिव इन पीस, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी एंड लव। सो देयर फॉर ही वॉन्ट्स अस टू बी फ्री फ्रॉम द नैरो एंड सेल्फिश आइडियाज, एंड ही वॉन्ट्स अस टू स्ट्राइव हार्ड टू बी गुड ह्यूमन बींग, एंड दस द अर्थ कैन Only then be called as heaven. Thank you so much. Now, students, there are few basics questions that would be framed on the basis of the content of the poetry जो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि ये जो poem है, ये कब लिखी गई थी? इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले। By whom was it written? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही फेमस वर्क था उनका गीतांजलि, जिसमें ये 35 नंबर पर पोयम अपीयर हुई थी, और ये ओरिजिनली इट वाज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज और पब्लिश हुई थी 1910 में, और इसको तभी उन्होंने गीतांजलि के कलेक्शन में इंक्लूड किया था। लेटर ऑन इसका ट्रांसलेशन किया गया 1912 में, एंड देन दिस गॉट द टाइटल ऑफ इंडियन प्रेयर। जब उसको इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक जो सेशन हुआ था कैलकाटा में 1917 में, तब इसको इंडियन प्रेयर का टाइटल मिला। इस प्रेयर की एक और स्पेशल बात ये है कि जब बराक ओबामा, यूएस प्रेसिडेंट, इंडिया आए थे और उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में एड्रेस किया था अपना, तब उन्होंने ये पोयम की कुछ लाइंस कोट की थी। तो ये बहुत ही फेमस प्रेयर है गुरुदेव द्वारा लिखी हुई,
जिसे हमारे पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ और आपको इसके और एमसीक्यूज सिमिलर लाइंस पर प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग। पहला जो है, जैसे कि इस पूरी कविता की सेंट्रल थीम क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, आपके पास चार ऑब्जेक्टिव हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, द पावर ऑफ एजुकेशन, द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क, द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसका सही आंसर है कि जैसे हमें पता है कि इस कविता की थीम है पेट्रियोटिज्म, तो नेशनल आइडेंटिटी के बारे में ये कविता या ये प्रेयर की गई थी। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय, किसने इसको लिखा है? सो वी वेरी वेल नो दैट रविंद्रनाथ टैगोर इज द पोएट ऑफ दिस पोएट्री, वेरी फेमस वर्क ऑफ हिज रिनोन वर्क। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर हिज लिटरेचर इन द ईयर, किस ईयर में उनको नोबल प्राइज इन लिटरेचर अवॉर्ड किया गया था? सो इट वॉज अवॉर्डेड इन द ईयर 1913। Which of the following is very famous work by Tagore? इसमें आपको कुछ options दिए गए हैं। इसमें very famous जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, वो है गीतांजलि, जिसका poem 35 हमने अभी पढ़ा है, where the mind is without fear। फिर इसमें एक sub clause है, where the mind is without fear and held high। इसका मीनिंग क्या है? तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई के लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, टू बी प्राउड ऑफ वंस हाई पोजीशन, टू स्टैंड स्ट्रेट, टू बी फियरलेस एंड हॉटी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए, टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। थैंक यू सो मच। टुडे वी आर हियर टू स्टडी नेशनल एजुकेशन बाय महात्मा गांधी। इट इज मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम, बीए, बीसीए, बीबी एंड बीएससी फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर महात्मा गांधी जी हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज फॉर द यूथ विथ रिगार्ड्स टू हिज एजुकेशन पर्सपेक्टिव। महात्मा गांधी जी ने जो अभी एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसको डिफेक्टिव बताया था और उन्होंने इसकी निंदा की थी। उसका रीजन ये था कि उन्हें ये लगता था कि इट इग्नोर्स द कल्चर ऑफ हार्ट एंड हैंड एंड कन्फाइन्स इटसेल्फ टू ओनली हेड, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ दिल और हाथ की संस्कृति की उपेक्षा करती है, जबकि किताबी ज्ञान तक सीमित है ये। And he also says that this is not the right kind of education which is meant for India. It is a defective system because it is unreal and it is not suitable for Indian culture. वो ये सोचते थे कि इंडियन संस्कृति या भारतीय संस्कृति को लेकर ये बहुत unreal है कि हम foreign language में पढ़ाई करें, या स्कूलों में जो एजुकेशन है वो उसका मीडियम फॉरेन लैंग्वेज हो। उनके अनुसार वर्नैक्युलर जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि लोकल लैंग्वेज हम कह सकते हैं, उसमें अगर पढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रियलिस्टिक होगा और वो इसे रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से और अपने घर पर या अपने पारिवारिक लाइफ में, अपने समाज में, अपने डे टू डे लाइफ में आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर पाएंगे, तभी शिक्षा का रियल जो मीनिंग है वो रिलेट हो पाएगा प्रैक्टिकल लाइफ से। कि जो ज्ञान स्कूल में स्टूडेंट ने अर्जित किया उसको वो घर आकर अपने घर पर आने वाली कोई समस्या हो, बाधा हो, दुविधा हो, उसको ओवरकम कर पाए, तभी उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य या फिर कहा जा सकता है कि शिक्षा रियल सेंस में इम्पार्ट की गई है।
उन्हें ये विदेशी संस्कृति पर आधारित शिक्षा ठीक नहीं लगती थी। उनके विचार से स्वदेशी भाषाओं का या स्वदेशी पद्धति का या स्वदेशी ज्ञान का ही यूज या फिर प्रचलन होना चाहिए था स्कूल एजुकेशन में। वे हमेशा चाहते थे कि जो ये डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस के द्वारा इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, उसको किसी तरीके से वो रोक पाए। इसी के संदर्भ में वो टेक्स्ट बुक्स के बारे में भी कुछ उनके सजेशंस थे, और वो ये थे कि टेक्स्ट बुक्स शुड नॉट बी ओनली फॉर लिटरेसी बट टू द रियल लाइफ ऑफ द पीपल इट शुड बी रेलिवेंट। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज मेकिंग द स्टूडेंट्स अनफिट फॉर फिजिकल वर्क। जैसे कि हमने पढ़ा कि वो उन्होंने बताया है कि हाथ की संस्कृति, मतलब उनका इस बात से ये रिलेशन वो बताना चाह रहे हैं कि स्किल्स सीखें, फिजिकल वर्क करना सीखें, मेहनत करना सीखें, जो यूथ हैं वो सेल्फ रिलायंट हो, उनके हाथ में कोई हुनर हो, एजुकेशन इस तरीके से इम्पार्ट हो कि जो कि सिर्फ किताबी ज्ञान ना देते हुए स्टूडेंट्स को फिजिकल वर्क के लिए या किसी स्किल के लिए भी तैयार करें ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग डेज। ही ऑल्सो सजेस्ट फॉर सूटेबल प्रोफेशन। हिज व्यूज वर दैट द स्टूडेंट्स वर टॉट द स्किल्स विच हेल्प देम टू अर्न वाइल दे लर्न, ताकि वो सेल्फ रिलायंट हों। जब वो लर्न कर रहे हों, जब वो शिक्षा ले रहे हों, उस समय भी उनके पास कोई हुनर ऐसा हो जिससे कि वे कुछ अर्न कर सकें और सेल्फ रिलायंट हो जाएं और अपनी लाइफ में कोई एक सूटेबल प्रोफेशन जो है उसको चूज कर पाएं। गांधी जी की जो विचारधारा थी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, वो यही थी कि वे चाहते थे कि जो फॉरेन लैंग्वेज विदेशी संस्कृति से रिलेट कर रही है एजुकेशन को, उसके बजाय जो वास्तविक शिक्षा है वो दी जानी चाहिए स्टूडेंट्स को। तभी उनका जो नॉलेज है, लर्निंग है, अपनी खुद की संस्कृति को लेकर वो डेवलप हो पाएगी। उनके अनुसार जो पब्लिक स्कूल्स थे वो एजुकेशन के लिए, मेजॉरिटी जो इंडियन स्कूल्स थे, पब्लिक स्कूल्स थे, वो इसी माध्यम से पढ़ाया करते थे, और यही माध्यम फॉरेन लैंग्वेज का उन्होंने जो अडॉप्ट किया है वो उन्हें सेल्फ रिलायंट कभी बनने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने ये जो नेशनल एजुकेशन चैप्टर है इसमें अपने शिक्षा को लेकर जो विचार व्यक्त किए हैं वो यही है कि विदेशी संस्कृति पर आधारित शिक्षा का बहिष्कार होना चाहिए, किताबी ज्ञान तक स्टूडेंट्स को सीमित नहीं रहना चाहिए, और विदेशी संस्कृति हमारे देश की वास्तविक जो स्थिति है उससे स्टूडेंट्स को नहीं एक्नॉलेज करवा सकती या उन्हें उसका ज्ञान नहीं दे सकती। इसलिए वास्तविक शिक्षा विदेशी संस्कृति से पाना या अचीव करना असंभव है। इस रिगार्ड्स में कुछ एमसीक्यूज हैं जो हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू एमसीक्यूज विथ रिगार्ड्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। द फर्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू गांधी, एजुकेशन शुड बी गिवन इन इंटरनेशनल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, हिंदी या वर्नैक्युलर लैंग्वेज। सो द राइट आंसर इज वर्नैक्युलर लैंग्वेज, जो कि स्थानीय भाषा को कहा गया है। उन्होंने फॉरेन लैंग्वेज की निंदा की थी, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। इंटरनेशनल लैंग्वेज इज अ रॉन्ग ऑप्शन, हिंदी इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस। एजुकेशन ऑफ द हार्ट कैन बी इम्पार्टेड थ्रू बुक्स, लिविंग टच ऑफ द टीचर, क्लॉथ प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर। सो द राइट आंसर इज लिविंग टच ऑफ द टीचर।
According to Gandhi, the medium of teaching in foreign language has caused brain fag, put an undue strain upon the nerves of our children, made students crammers and imitators, or all of the above. जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा ही है कि मीडियम ऑफ टीचिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट की पर्सनालिटी फ्रेम करने में. तो जैसा कि गांधी जी ने कहा गया था, उन्होंने कहा था कि जो डे टू डे लाइफ में आने वाले जो भी पड़ाव हैं या फिर परेशानियां हैं या चैलेंजेस हैं, वो तभी एक स्टूडेंट हैंडल कर पाएगा जब उसका जो मीडियम ऑफ लर्निंग है स्कूल्स में वो एक नेटिव या फिर स्थानीय भाषा हो. अन्यथा एजुकेशन जो फॉरेन लैंग्वेज में दी जाएगी वो उस स्टूडेंट की नर्व्स पे अनड्यू प्रेशर क्रिएट करेगा, स्टूडेंट्स को सिर्फ इमिटेट करने पर मजबूर कर देगा कि वो किसी को देखकर जितना इमिटेट कर पाएंगे वही तक उनका एटीट्यूड रह जाएगा. वो खुद से रैशनली या कुछ समझदारी से या वाइजली अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि ब्रेन फैग बना देता है, अनड्यू स्ट्रेन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के दिमाग पर, एंड ऑल्सो इट क्रिएट स्टूडेंट्स टू बी एन इमिटेटर. ये बहुत क्वेश्चन हमने क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है. आप सभी लोगों को डेट तो याद रहती है महात्मा गांधी के बर्थडे की, बट ईयर में कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है. सो महात्मा गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869. ईयर भी आप लोगों को याद रखना है. एंड एट विच प्लेस वॉज गांधी जी बॉर्न? पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद और दिल्ली. सो द राइट आंसर इज पोरबंदर. अबाउट हाउ ओल्ड वॉज गांधी जी वेन ही रीच्ड लंडन टू बिकम अ बैरिस्टर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ही वॉज 19 ईयर्स वेन ही रीच्ड लंडन टू बिकम अ बैरिस्टर. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द वेरी फेमस वर्क ऑफ आर के नारायण, दैट इज द एग्स. This story is in the syllabus of BA, BCom, BCA, BBA, BSc first year students syllabus of FC. Students, let me introduce you to R. K. Narayan, famously known as Rasipuram Krishna Swami Iyer, born on 10th October 1906 and he passed away on 13th May 2001. He was a very famous Indian writer and novelist, and he was very famous in South India for his work Malgudi and also Guide. He was a leading author of early English, Indian English literature along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. Talking about his occupation, as we know that he was a writer, and he has also been awarded with notable awards like Padma Vibhushan, Sahitya Academy Fellowship Award, and also Benson Medal Award. He passed away in Chennai, Tamil Nadu. And one of his famous work we are going to discuss today is The X. It is a very beautiful story. And it talks about a very famous character named Villain. So, Villain is the main character of the story around which the story of the X revolves. And he has very beautifully explained it, or say narrated it. So, this story is about a village known as, or famously called as, Malgudi. This particular character named as Villain, he gets a job of a gardener. उसको ये gardener का job कैसे मिलता है उसके भी पीछे एक story है. वो ये कि ये अपने पिता के साथ खेत पर या फिर पिता की मदद करता है खेत पर काम करने के लिए,
और क्योंकि इन्होंने अपनी काफी संपत्ति खो दी है, तो ये किसी और के खेत पर काम करते हैं, पिता और बेटा। तो जब एक दिन ये अपने पिता को लंच देने जाता है खेत पर, थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे काफी गांव वाले जो आसपास खेतों के खड़े रहते हैं उन्हीं के सामने उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। और इस इंसिडेंट से वह दुखी होकर शहर से कुछ दूर गांव के ही नजदीक एक शहर है वहां चला जाता है, और वहां जाकर ये एक गार्डनर का जॉब करने लगता है। कुछ दिन भूखा घूमने पर इसे गार्डनर का जॉब ऑफर किया जाता है। ही स्टार्ट्स लुकिंग आफ्टर द गार्डनर ही स्टार्ट लुकिंग आफ्टर द गार्डन एंड ही वर्क्स वेरी हार्ड टू डेवलप दैट गार्डन। जो गार्डन इसे दिया रहता है ये उसके साथ बहुत मेहनत करता है, उसके लिए बहुत पैशनेटली काम करता है और बहुत अलग-अलग तरीके के फूल वाले और फल देने वाले वृक्ष ये लगाता है। टाइम धीरे धीरे निकलता चला जाता है एंड वेलन ग्रोज ओल्ड एंड वन डे हिज मास्टर, जो वहां का मुखिया एक गार्डनर होता है, ही डाइज। सो ही हियर्स द न्यूज दैट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी जो जहां पर ये रह रहा होता है, इसके पीछे भी एक ये कहानी है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने कभी ये भविष्यवाणी की थी कि वेलन जो है वो 3 मंजिला इमारत में रहेगा, लेकिन गांव वालों को बहुत हंसी आती है या सुनकर वो लोग बहुत मजाक करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक गरीब बच्चा या एक गरीब व्यक्ति कैसे 3 मंजिला इमारत में रह सकता है। तो यहाँ पर जब वेलन शहर गया था तो ये जिस गार्डन की देखभाल करता था उसके वरांडा में ही इसको रहने के लिए जगह दी जाती है। तो तब इस तरीके से ये भविष्यवाणी जो एस्ट्रोलॉजर करता है वो सही सिद्ध होती है। तो इसी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर स्टोरी में मेंशन किया गया है कि एक दिन ये स्थिति होती है कि उस प्रॉपर्टी को अब बेचने का समय आ गया है, क्योंकि जो उसका ओनर है वो नहीं चाहता उस प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू करना या रखना, तो एक बिल्डर को वो प्रॉपर्टी बेच देता है। इन सारे जो इंसिडेंट्स थे उनमें एक और इंसिडेंट बहुत महत्वपूर्ण था कि जैसे हमने देखा कि वेलन बहुत पैशनेटली पेड़ पौधे और फलदार वृक्ष लगाता है। वो बचपन में ही जब गांव से आता है तो एक मार्गोसा ट्री लगाता है, नीम ट्री लगाता है। तो वो जब बिल्डर को सेल होने के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे होते हैं या चाबी हैंडओवर कर दी जाती है, तो उसे उस मार्गोसा ट्री की बहुत फिक्र होती है। वह उसके बिना रह नहीं पाता है, वह रोज उससे बातें करता है, उससे अपनी स्टोरीज शेयर करता है। और जब उसे पता चलता है कि बिल्डर ने ये डिसाइड किया है कि वो बहुत सारे फलदार और फूलदार जो हैं पेड़ पौधे वृक्ष उनको कटवा देगा, तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि अब तक नोटिस भी मिल चुका है कि उस घर को खाली करवाना है। सो वेलन इज गिवन अ नोटिस टू वेकेट द प्लेस। वन डे व्हेन ही वाज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून ही लिसन्स टू द साउंड ऑफ एन एक्स। जैसे कि टाइटल है स्टोरी का, वो आवाज उसको सुनाई देती है कि कोई पेड़ को काट रहा है एक्स से, एन एक्स। सो ही फील्स वेरी नर्वस। ही गेट्स अप एंड फाइंड्स दैट एम्प्लॉयज ऑफ द बिल्डर आर कटिंग द ट्रीज एंड प्लांट्स इन द गार्डन। वह देखता है कि किस तरीके से कुछ एम्प्लॉयज जो हैं बिल्डर के भेजे हुए कुछ व्यक्ति हैं वो पेड़ों को, वृक्ष जो बड़े पुराने वृक्ष हैं उसने लगाए थे और कुछ पौधे, उनको काट रहा है। सो ही इंसिस्ट देम टू स्टॉप कटिंग देम, बट वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि उन्हें आदेश मिला है बिल्डर से जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है
ये पेड़ जो है या पौधे जो लगाए हैं उन्हें काट दिया जाए। द फॉल ऑफ द एग्स ऑन हिज बिलवड प्लांट्स हर्ट्स हिम। उसे बहुत दुख होता है जब वो ये देखता है कि एग्स उसके इतने प्यार से सींचे हुए पौधों और वृक्षों को काट रहा है। वेरी सून ही लीव्स द प्लेस। और बहुत जल्दी ही वो उस जगह को छोड़ने का निर्णय लेता है, क्योंकि वो ये नहीं देख पाएगा कि जिन वृक्षों को उसने इतने सालों से सींचा है बहुत पैशनेटली अपने बच्चे जैसा, अब वो किसी व्यक्ति द्वारा काटे जा रहे हैं। इट सीम्स दैट द स्टोरी पुट्स फॉरवर्ड द स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ कॉन्वर्सेशन। द स्टोरी टेलर वॉन्ट्स टू कॉन्वे अ मैसेज दैट मैन इज डिस्टर्बिंग नेचर। इस कहानी में जो इस पात्र का लगाव वेलन का बताया गया है नेचर से, वो ये हमें बताता है कि द कटिंग ऑफ द ट्रीज किस तरीके से ह्यूमंस इंटरवेंशन करके या अपने पर्सनल गेन्स के लिए हम किस तरीके से नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड ऑल्सो दैट हाउ वेलन ट्राइज टू सेव ट्रीज एंड हाउ वन शुड लाइक वी पीपल शुड लव एंड प्रोटेक्ट ट्रीज। सो दिस चैप्टर ओवरऑल जो इस चैप्टर का मॉरल है वो ये है, आर के नारायण हमें ये एम्फसाइज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या इस पार्ट के थ्रू उन्होंने ये एम्फसिस दिया है कि देर विल बी नो लाइफ एट ऑल विथाउट ट्रीज। सो वन शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड शुड टेक केयर ऑफ ट्रीज, ओनली देन लाइफ इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। अब हम कुछ एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज वेरी सिलेक्टिवली आई हैव चोजन फ्यू एमसीक्यूज। जैसे पहला है, एट व्हाट एज डिड वेलन लीव होम। उसने किस एज में घर छोड़ दिया था। सो ही हैज लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 17। वी आर गिवन डिफरेंट ऑप्शन 16, 17, 18 एंड 20, बट जब उसको उसके पिता ने मारा था थप्पड़, तब वो 17 ईयर्स का था और उसी समय वो अपना घर छोड़ देता है। नाउ द एक्स इज रिटन बाय, किसने एक्स लिखा है? सो वेरी फेमस वर्क ऑफ आर के नारायण। ऑल्सो द गाइड इज रिटन बाय हिम और उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जो काफी फेमस भी है। तो गाइड के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं या नॉलेज में रख सकते हैं कि ही इज अदर वेरी फेमस वर्क ऑफ आर के नारायण इज द गाइड। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है द एक्स इज रिटन बाय आर के नारायण। हु वॉज वेलन, जैसे हमें पता है कि उसका प्रोफेशन क्या था। सो द राइट ऑप्शन इज गार्डनर। ही वॉज नीदर एन ओनर केयर टेकर, ही वॉज अ गार्डनर। विच इज फेमस वर्क ऑफ आर के नारायण, तो जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, गाइड एक उनका बहुत ज्यादा फेमस वर्क था जिस पर बॉलीवुड की एक मूवी भी बनी गई है। हु फोरटोल्ड दैट वेलन विल लीव इन अ बिग हाउस। किसने ये भविष्यवाणी की थी कि वेलन एक बहुत बड़े घर में या 3 मंजिला इमारत में रहेगा? फादर, विलेजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और हिज फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर है, एक एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की थी कि वह एक 3 मंजिला इमारत में रहेगा। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज आप पढ़ सकते हैं। ये जो स्टोरी समरी आपको सुनाई है, मेजरली दीज आर दी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज दैट हैव बीन शेयर्ड विथ यू। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच। We are here to discuss the content of the chapter The Wonder That Was India by A.L. Basham. Students, this is for first year students syllabus of Bharatullah University, BA, BCom, BCA, BBA and BSc. In this particular section, I would like to introduce the author first. Arthur Basham or A.L. Basham, born on 24th May 1914 and he passed away on 27th January 1986,
वॉज अ नोटेड हिस्टोरियन इंडोलॉजिस्ट एंड ऑथर ऑफ अ नंबर ऑफ बुक्स. He was a professor at the School of Oriental and African Studies, London, in the 1950s and 1960s. He taught a number of famous historians of India, including Professors Ram Charan Sharma, Romila Thapar, V.S. Pathak, and Thomas R. Trotman. इनकी बहुत ज़्यादा जो प्रचलित बुक थी वो थी The Wonder That Was India. It was published 7 years after the 1947 independence of India. इसके revised editions भी आए हैं 1963 और 1967 में. जैसे कि हमने इनके introduction में देखा कि he is an Indologist, मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीपों की भाषाओं, ग्रंथों या इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करते हैं भारत विद्या में, वह विद्या कहलाती है इंडोलॉजी. यह एशिया अध्ययन का एक भाग है. इसे भारत अध्ययन, इंडिक स्टडी या दक्षिण एशियाई अध्ययन भी कहा जाता है. उसी के रिगार्ड्स में इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है द वंडर दैट वाज इंडिया के बारे में इन्होंने बहुत विस्तृत में हमसे कई महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है या साझा की है. ये भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में और उसके वर्ल्ड में रिकग्निशन को लेकर और आइडेंटिटी को लेकर ये चैप्टर हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन देगा. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. जो चैप्टर की शुरुआत है स्टूडेंट्स, वो हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में बताने से होती है कि जो हिंदू सिविलाइजेशन है वो हमेशा से अपनी कंटिन्यूटी बनाकर चलता है या चलता आया है. भारतीय संस्कृति कभी ना रुकने वाली एक संस्कृति है. इसका जो एवोल्यूशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आर्यंस तक हुआ है. इसके अदर जो सेक्ट्स हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म, इसको भी इसने प्रभावित किया है. हमें भारतीय संस्कृति कि इस बात पर अटूट विश्वास है कि ये हिंदू सभ्यता निरंतर बनाए रखेगी. और जो इसके बहुत महान ग्रंथ हैं जैसे भागवत गीता और उपनिषद, वो आम जन जीवन को किस तरीके से लाइफ बहुत ही क्वाइटली और जेंटली विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज सस्टेन्ड बताई जाती है या सिखाई जाती है. तो इन उपन्यासों के थ्रू We get to learn a lot about how to live life in a quiet, gentle and happy way. Unlike the hectic life of the West, जिस तरीके से West में life बहुत hectic होती है और बहुत मुश्किल होती है, उसके विपरीत जो भारतीय उपन्यास हैं वो हमें बहुत सादगी से और बहुत खुशी से जीवन व्यतीत करना सिखाते हैं. इंडियन कल्चर में बहुत कुछ जो अनुपयोगी रहा है वह नष्ट हो चुका है, जैसे सैक्रिफाइस ऑफ द एनिमल्स और चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा. जानवरों की बलि खत्म हो चुकी है, विधवाओं ने अपने पति की चिताओं पर जलना बंद कर दिया है, चाइल्ड मैरिज भी पूरे तरीके से प्रोहिबिटेड है या समाप्त हो चुकी है यह प्रथा. The whole India is also changing its culture and tradition in the best possible way. पूरे इंडिया का जो संस्कृति है वो अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से भारतीय संस्कृति से इवॉल्व होकर ग्रो कर रही है और कंटिन्यू करेगी ग्रो करना. जो कास्टिज्म था वो भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हुआ है, अब ये देखने को नहीं मिलता है. परिवार व्यवस्था आज की स्थिति बदल रही है और खुद को नए ढांचे में ढाल रही है. और हम देखेंगे कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वो अपना कल्चर इंडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है या बहुत ज़्यादा प्रभावित है इंडियन कल्चर से. इंडियन कल्चर से ही उसे अपनी संस्कृति प्राप्त हुई है. अर्ली इन 5th century BC colonists from western india visited ceylon and gradually settled
देयर। 5वीं शताब्दी में कई कॉलोनिस्ट जो थे वो उपनिवेश बनाकर सिलोन, जो प्रेजेंटली श्रीलंका है, वहाँ सेटल हो गए थे। बिकॉज ऑफ द डीप इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन हिस्टोरियंस प्राउडली कॉल्ड दिस एरिया एज ग्रेटर इंडिया। उनका भारतीय संस्कृति में जो अटूट विश्वास था, इस वजह से उन्होंने इसे ग्रेटर इंडिया कहा। इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स एमसीक्यू के कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ग्रेटर इंडिया क्यों कहा जाता है भारत के इस हिस्से को। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि इंडियन हिस्टोरियंस या इतिहासकार ने इसे इसीलिए ग्रेटर इंडिया कहा गया क्योंकि वे इसकी संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इंडियन कॉलोनीज वर नॉट लाइक ब्रिटिश कॉलोनीज। ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से जो कॉलोनीज बनाई थी, वैसी कॉलोनीज इंडिया की नहीं थी, वैसे उपनिवेश नहीं हुआ करते थे। देवर पीसफुल। इंडियन कॉलोनीज या भारतीय उपनिवेश जो हुआ करते थे वो काफ़ी पीसफुल रहते थे। सिर्फ उसमें एक एक्सेप्शन है, भारतीय लेजेंडरी आर्यन किंग विजया का, जिनका सिर्फ एक ही एविडेंस है कि उन्होंने फॉरेन की कोई भूमि पर युद्ध नीति से या स्वॉर्ड से या तलवार से किसी हिस्से पर अपनी विजय प्राप्त की थी। अन्यथा हम जो अहिंसा है उसका पथ या उसका पाथ फॉलो करते हैं। नॉर्थवर्ड्स देयर वॉज कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना अबाउट 2000 ईयर्स अगो। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो इंडिया और चाइना का जो संबंध है वो 2000 साल पुराना संबंध है। एज अ स्पेशल गिफ्ट टू एशिया, इंडिया हैज़ सम प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स लाइक राइस, कॉटन, शुगर केन, स्पाइसेस, गेम ऑफ चेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरल नोटेशन। इंडिया ने विशेष रूप से चावल, कपास, गन्ना और शतरंज का खेल, ये प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स के तौर पर वर्ल्ड को दिया है। हमारी कई प्रजातियां जानवरों की और कई घरेलू पक्षियों की भी एक देन है पूरे वर्ल्ड को। अंक संकेतन की दशमलव प्रणाली भी भारत की ही देन है। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, देयर हैज़ बीन एन इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल सेंस टू द वर्ल्ड। ट्रेसेस ऑफ इट कैन बी सीन इन पाली स्क्रिप्चर एंड न्यू टेस्टमेंट एंड ज्यूविश सेक्ट विच फॉलोज मोनास्टिक प्रैक्टिसेस समवॉट सिमिलर टू बुद्धिज्म। हम ये देखते हैं कि जो ये आध्यात्म का भारतीय संस्कृति से जो कॉन्टैक्ट है, वो भारतीय आध्यात्म का पूरे विश्व पर भी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी गई है। उसके जो एग्जाम्पल्स या ट्रेसेस देखे जा सकते हैं वो पाली संस्कृति पर, और जो बाइबल का एक हिस्सा है, एक चैप्टर है, अध्याय है, उसमें भी मेंशन किया गया है न्यू टेस्टमेंट में कि कुछ जो यहूदी थे उन्होंने बौद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म से इंस्पायर होके उनके सन्यासियों की जीवन शैली को लेकर काफ़ी मिलता जुलता असर अपने रिलीजन पर देखा और उसको फॉलो किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यहूदी हैं वे भी भारतीय सभ्यता से, भारतीय संस्कृति से बिना प्रभावित हुए नहीं रह सके, और उनके धर्म और उनके रिलीजन पर भी भारतीय संस्कृति की छाप हमें देखने को मिलती है। अलॉन्ग विद द कल्चर, इंडियन थॉट ऑल्सो स्प्रेड इन द 19th सेंचुरी। बंगाली मिस्टिक रामकृष्ण परमहंस एंड हिज डिसाइपल स्वामी विवेकानंद एंड देन महात्मा गांधी वॉज ग्रेटली एडमायर्ड बाय पीपल। द वेस्ट ऑल्सो एडमायर्ड गांधी जीज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, हिज बर्निंग सिंसियरिटी एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें भारतीय कल्चर की, इसकी जो लेगेसी है
वो पूरे विश्व में 19वीं शताब्दी में फैली। बंगाली मिस्टिक जो थे रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे ग्रेट पर्सन्स, इन्होंने पूरे वेस्ट में इंडिया की जो संस्कृति है, इंडिया का जो कल्चर है, इंडियन वैल्यूज़ हैं, उनको या उनका परचम लहराया। और इसी वजह से वेस्ट में बहुत ज़्यादा एडमिरेशन मिला भारतीय संस्कृति को या भारतीय मूल्यों को, और महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंस या अहिंसा पॉलिसी है उसको बहुत लोकप्रियता मिली। एंड मैनी पीपल वर इंस्पायर्ड बाय हिज वे ऑफ हैंडलिंग अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। देन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर जर्मन फिलोसोफर गोथे ऑल्सो बोरोड इंडियन ड्रामाटर्जी फॉर हिज फेमस प्ले फॉस्ट एंड इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोनोइज्म ऑफ इंडियन थॉट। अगर हम बात करें लिटरेचर की तो जो फेमस जर्मन राइटर थे, लिटरेचर के फिलोसोफर थे, थिंकर थे गोथे, उन्होंने इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड होकर अपना एक फेमस प्ले जो फॉस्ट था उसका प्रोलॉग लिखा। वे एक दार्शनिक थे तो उन्होंने मोनोइज्म से प्रभावित होकर अपने विचार व्यक्त किए अपने प्रोलॉग में। भारतीय विचार में एकात्मवाद से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसी तरह न केवल जर्मन फिलोसोफर या राइटर अपितु अमेरिकन राइटर्स भी इंडियन लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनमें कुछ नाम मैं मेंशन करना चाहूँगी, जैसे इमर्सन, थोरू, रिचर्ड जेफरीज एंड एडवर्ड कारपेंटर। ये बहुत फेमस नेम्स हैं कुछ राइटर्स के, और ये भी बहुत ज़्यादा भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर या इंडियन लिटरेचर से प्रभावित होकर इन्होंने अपने वर्क्स को रीइन्वेंट किया था या रीराइट किया था। नाउ इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड आर मिंगलिंग विथ ईच अदर एंड वी एक्सपेक्ट अ सिंगल कल्चर इन द फ्यूचर विथ सम लोकल डिफरेंसेस। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस कल्चरल स्टॉक विल डेफिनेटली बी ग्रेट। अगर हम बात करें वैश्वीकरण की तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वी सी दैट द वर्ल्ड इज नाउ कॉल्ड अ ग्लोबल विलेज। सभी देशों की संस्कृति आपस में मिंगल हो रही है, मिक्स हो रही है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में एक सिंगल कल्चर होगा जो कुछ लोकल डिफरेंसेस के साथ देखा जाएगा। बहुत ही माइक्रो या सूक्ष्म लेवल पर वो डिफरेंसेस होंगे लोकल लेवल पर, लेकिन वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे कि एक ही कल्चर या एक ही संस्कृति पूरे विश्व को जोड़े रखे है, और वो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की वजह से पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसमें हमारे देश की बात करें तो इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस कल्चरल स्टॉक में वो बहुत ही अद्भुत होगा, और अद्भुत होने के साथ साथ बहुत ही महान है। ये हम अभी से फील कर रहे हैं या फिर हम इतने वर्षों से हम उससे अनभिज्ञ नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू MCQs ऑफ द सेम। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसके MCQs देख सकते हैं, एंड आई होप यू विल बी एबल टू इवन आंसर द MCQs विच आर गिवन हियर। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट MCQ डील्स अबाउट द इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस बिगिन इन सिलोन, कि कब इंडियन कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था वो सिलोन में देखा गया था। आप इसके ऑब्जेक्टिव देखिए, 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी BC,
फिफ्थ सेंचुरी बीसी और सिक्स्थ सेंचुरी बीसी। कैन यू गेस? आई होप यू वुड बी एबल टू गेस राइट। द आंसर इज सी। द आंसर इज सी, फिफ्थ सेंचुरी बीसी। सो सिलोन में इंडियन कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था वो फिफ्थ सेंचुरी बीसी से देखा गया था। द ओल्ड फेस ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी चेंज्ड फुली, इज वैनिशिंग डेली, इज चेंजिंग फास्ट, इज नॉट लाइकली टू चेंज एट ऑल। आप इसका आंसर अगर आपने रिलेट किया हो या चैप्टर में देखा हो, समझा हो, तो देखा होगा कि इट्स चेंजिंग फास्ट। बहुत जल्दी हम अपनी संस्कृति को री इन्वेंट कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, और हम अपनी पुरानी जो सभ्यता है उसको फिर से सहेज कर रख रहे हैं। हम इवॉल्व हो रहे हैं एज अ बेटर पर्सन, एज अ बेटर कंट्री देन वॉट वी वर प्रीवियसली। सो द ओल्ड फेस ऑफ इंडिया इज चेंजिंग वेरी फास्ट। देन हु इज द ऑथर ऑफ द एसे द वंडर दैट वॉज इंडिया? स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी ईजी क्वेश्चन। आई होप यू वुड बी एबल टू गेस और थिंक लॉजिकली अबाउट द आंसर। आंसर इज बी, ए एल बाशम। ये इंडोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने द वंडर दैट वॉज इंडिया में भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत कुछ डिटेल में हमें काफ़ी अच्छी जानकारी प्रेषित की। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिकल ब्लेसिंग इंडिया हैज कॉन्फेस्ट ऑन द वर्ल्ड? स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट यू टू रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली एंड देन ट्राई टू आंसर इट। वूल, आयरन, कॉटन एंड गोल्ड। टेक सम टाइम एंड गेस व्हाट इज द राइट आंसर। आई होप यू वुड बी एबल टू रैशनल एंड गिव द राइट आंसर। इंडिया ने कौन सी ब्लेसिंग्स पूरे वर्ल्ड को दी है? सो द राइट आंसर इज कपास की या कॉटन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? द ऑप्शंस आर रिलेशन ऑफ कंफर्ट, ऑफ कंटिन्यूटी, ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड डिसकंफर्ट। कैन यू गेस द राइट आंसर? So, the answer is retention of continuity. ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्वालिटी है इंडियन सिविलाइजेशन की, कि हम हमारे हजारों वर्ष पुराने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक्स हैं लाइक महाभारत या भागवत गीता, और जो हमने डिस्कस किए हैं कुछ उपन्यास जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर बहुत ग्रेटली एक अपना इम्प्रेशन लीव किया है, जिसकी वजह से आज भी जो हमारी संस्कृति है वो कंटिन्यूटी में है, या फिर निरंतर उन्हीं लाइंस पर या उसी लेगेसी को फॉलो कर रही है। सो द राइट आंसर इज दैट द मोस्ट आइडेंटिकल और इंडिजीनियस क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज द रिटेंशन ऑफ इट्स कंटिन्यूटी, निरंतरता की। थैंक यू सो मच। टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अ वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क बाय सी राजगोपालाचारी, प्रीफेस टू महाभारत ऑन हरदा डिग्री कॉलेज यूट्यूब चैनल। दिस इज पर्टिकुलरली मेंट फॉर बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क ऑफ सी राजगोपालाचारी, प्रीफेस टू महाभारत। आपको बताना चाहूँगी कि जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे वो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ थे।
उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता भी थे, किंतु बाद में वे कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए थे और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। उन्हें दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने ये जो फेमस वर्क है प्रीफेस टू महाभारत वो लिखा, और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ, काफ़ी लोकप्रियता भी हासिल हुई, क्योंकि ये उपन्यास अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में एक एपिक है। इसके पूरे उपन्यास के बारे में कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये उपन्यास पूरे वर्ल्ड में सभी को प्रभावित करता है, उसके बारे में शॉर्ट इंसिडेंट्स हैं, अलग अलग लाइफ के अलग अलग पात्र जो हैं वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं महाभारत के पात्र हमें, या किस तरीके से इंस्पायर करते हैं, ये कैसे उन्होंने जो उपन्यास पहले के लिखे हुए हैं, एपिक्स जो लिखे हुए हैं व्यास वेद व्यास और वाल्मीकि द्वारा, उनको कैसे ये नरेट करते हैं, उनको कैसे इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है, वो कुछ इंसिडेंट्स हैं यहाँ पर जो हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले तो ये कि महाभारत के राइटर कौन थे, तो महाभारत के राइटर वेद व्यास जी थे, और उन्होंने महाभारत जो लिखी थी, और हम देखें कि महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और फिर ये जो लिटरेरी कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशन बिल्डिंग में, और किस तरीके से ये जो पात्र हैं वो आजकल के प्रबंध में भी या अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी किस तरीके से एक रोल प्ले करते हैं मोटिवेटर का, इंस्पायर करते हैं अलग अलग विधाओं के अलग अलग व्यक्तियों को। तो आज भी जो महाभारत है वो एक उपन्यास है जो कि इंस्पिरेशन के तौर पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा समाज के अलग अलग विधाओं में उसका उपयोग या फिर उसकी यूटिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो वॉर की स्किल्स हैं वो किस तरीके से यूज़ होती हैं, उसको पॉलिटिकली कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसमें जो अलग अलग पात्र हैं वो किस तरीके से समाज के अलग अलग व्यक्तियों को इंस्पायर करते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स ऑफ सीता एंड द्रौपदी, राम और अर्जुन, लक्ष्मण और हनुमान क्या बताते हैं, क्या एग्जाम्पल पोर्ट्रे करते हैं आज की युवा पीढ़ी के सामने। तो अगर हम समझें तो द स्वीटनेस एंड सोरोज ऑफ सीता एंड द्रौपदी कैन बी लर्न बाय द चिल्ड्रन ऑफ टुडे। दे लर्न द हीरोइक फोर्टिट्यूड ऑफ राम एंड अर्जुन, दे लर्न द लविंग फिडिलिटी फ्रॉम हनुमान एंड लक्ष्मण। इसी तरीके से ये जो पात्र हैं इसमें कैसे द्रौपदी को एक अनफॉर्चुनेट क्वीन, कुंती को एक वर्दी मदर ऑफ पांडवास, और गांधारी को एक डिवोटेड वाइफ एंड सैड मदर ऑफ द विकेट सन्स ऑफ धृतराष्ट्र के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। और इनकी जो जीवनी है या इनका जो जीवन है पूरे उपन्यास में वो किस तरीके से हमें लाइफ में एक इंस्पिरेशन देता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। इसमें लॉर्ड कृष्ण का भी जो रोल है वो किस तरीके से लाइफ में हमें हाई पर्पस अचीव करने के लिए प्रेरित करता है, वो हमसे हमें उसका ज्ञान है। आज भी वो एज एन इंस्पिरेशन, एज अ रोल मॉडल ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। अब ये है कि हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो महाभारत में ऐड किए गए हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो
द लिटरेचर इज़ वर्थ प्रिजर्विंग, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंस होल्ड करता है हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, लेजेंडरी, पॉलिटिकल, थियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, लगभग पिछले 30 सेंचुरीज से. सो दिस एपिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक सिंस ईयर्स, सिंस डिकेड्स. फिर भीष्म और कुंती, ये जो दो नए पात्र हैं, इनके बारे में हमें क्या इंसाइट मिलती है इस एपिक से. सो भीष्म रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट नाइट एंड कुंती रिप्रेजेंट्स द वर्थी मदर ऑफ द हीरोज. द्रोण, ही रिप्रेजेंट्स द वेनरेबिलिटी एंड कर्ण रिप्रेजेंट्स द शिवलरी इन अ मैन. ये क्वालिटी हमें इन पात्रों में देखने को मिलती है. लॉर्ड कृष्णा के बारे में, जैसे कि मैंने बताया, ही इज़ द मोस्ट रिनाउंड और द मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ द एपिक. ही होल्ड्स द हाईएस्ट प्लेस इन महाभारत. ही इज़ द मोस्ट एनर्जेटिक ऑफ मेन एंड हिज डिविनिटी एंड हाई पर्पसफुलनेस परवेड द होल एपिक. जैसे आज भी हम देखते हैं कि ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ इंस्पायर्ड, who has inspired many men around the world to live life. Lord Krishna ने जो इस epic में हमें इस epic के through जो roles play किए हैं, वो पूरी life में कई लोगों को कई हिस्सों में inspire करते हैं, motivate करते हैं और जीवन यापन करने के लिए सीख देते हैं, जो ना केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. द रीडर्स ऑफ महाभारत में फील द ओवरवेलमिंग पावर ऑफ द इनकम्पेरेबल वास्टनेस एंड सबलिमिटी इन दिस एपिक एंड इन द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा. सो दिस एपिक इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स अबाउट डिफरेंट आश्रम्स ऑफ लाइफ, हाउ अ पर्सन लिव्स इन डिफरेंट स्पैन्स ऑफ लाइफ, अलग अलग आश्रमों में रहकर ही किस तरीके से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है और इन आश्रम्स का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से नोबल बर्थ लेने के बाद भी हम ये देखते थे कि उन वर्षों में कैसे आश्रम में जाकर ही विद्या ली जाती थी और उन्हें जो शिक्षा दी जाती थी वो किस तरीके से उन्हें एक हाई बर्थ के लिए तैयार किया जाता था. सो दिस पर्टिकुलर एपिक ऑल्सो मोल्ड्स द कैरेक्टर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. द ग्रेट एपिक महाभारत, उसने किस तरीके से पूरे इंडिया के जो सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, जो उसके रहवासी हैं, उनके कैरेक्टर को या हमारी संस्कृति पर किस तरीके से एक छाप छोड़ी है. इट कैन बी लर्न थ्रू द लेसन्स एंड गॉस्पल्स विच वर लाइक अ गोल्डन थ्रेड रन्स थ्रू ऑल द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स इन द एपिक. ये हमें ये भी सिखाती है कि कितनी भी हेट्रेड हो, कितना भी मुश्किल समय हो या वायलेंस हो, बट Truth is always the winner in the battle of good and evil. So, Lord Krishna has inspired us to live a high purposeful life in the whole epic. And I hope we get inspired by him after reading or after coming across the content of this motivational character. Students, now we have few MCQs from the context of this chapter. The first one is, how did Mahabharat mold the character and civilization of ancient India? By providing gospel of dharma, by providing gospel of karma, by providing gospel of war, or by providing gospel of education. So here the right answer is by providing the gospel of dharma.
सेकेंड क्वेश्चन, प्लेस वेयर द महाभारत वॉर टुक प्लेस. सो आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग द राइट आंसर. वेरी इजी आंसर टू दिस इज कुरुक्षेत्र. हु वॉज द मदर ऑफ कौरवास? कौरवों की माता का नाम क्या था? सो द राइट आंसर इज सी, गांधारी. वेन वॉज राजा जी बॉर्न? आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट सी राजगोपालाचारी जी वॉज फेमसली नोन एज राजा जी. सो उनका बर्थ ईयर पूछा गया है कि उनका बर्थ ईयर क्या है. आपके पास चार ऑप्शंस हैं अगर आप देखें तो. 10th December 1995, 10th December 1885, 10th December 1698 and 10th December 1878. So can you guess, students, what is the right answer? You can take your time. डेट सभी को बहुत अच्छे से याद रहती है, लेकिन ईयर में कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, या ध्यान नहीं रख पाते हैं. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जहाँ पर हमें ईयर का ध्यान रखना होता है, वहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखकर उसे याद करना रहता है. तो स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज 10th December 1878. प्लीज डोंट बी कंफ्यूज विद द अदर ऑप्शंस, क्योंकि कई बार हम ईयर पर ध्यान नहीं देते हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू दैट यू प्लीज पे अटेंशन टू द ईयर व्हेन द पर्सन और द ऑथर हैज बीन बॉर्न एंड व्हेन हैज ही एक्सपायर्ड. द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज चेंज्ड द सिंपल पैटर्न ऑफ अर्ली होम लाइफ? जो अर्ली होम लाइफ है उसका पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, किस तरीके से चेंज हुआ है, और इस एपिक से हमें क्या इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलता है अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए. इसीलिए इन उपन्यासों को या इन एपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है आज की जनरेशन से, अभी के यूथ से, ताकि वो इनके जो कैरेक्टर्स हैं, इनके जो पात्र थे, उनसे या इनके जो घटनाक्रम जो घटित हुए थे उनसे इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर अपनी लाइफ को इजी बना सकें. तो द सिंपल पैटर्न ऑफ अर्ली होम लाइफ हैज बीन चेंज्ड बाय ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ. थैंक यू.